कर्नाटक में मतदान की तारीख एकदम करीब आ चुकी है। राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। इस बीच ज्यादातर चुनावी सर्वे कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर अब की बार कांग्रेस जीतती है ये चुनाव, तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री? जेडीएस कुमार स्वामी का चेहरा लेकर आगे चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की तरफ से भी मौजूदा सीएम बोमई दावा कर रहे हैं कि जीतने के बाद उन्हें फिर से सीएम बनाया जाएगा। ऐसे में पूरी तरह से सीएम का मामला कांग्रेस पर आकर रुक जाता है, क्योंकि सर्वे कह रहे हैं कि कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीत रही है। तो कांग्रेस की तरफ से कौन संभालेगा कर्नाटक की कमान, इसका एनालिसिस हम अपनी इस रिपोर्ट में करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। कांग्रेस सीएम फेस को लेकर कश्मकश में है। कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार और पूर्व सीएम सिद्धरमैया को आगे जरूर रखा है, लेकिन किसी भी नेता को सीएम फेस के रूप में घोषित नहीं किया है। इसके पीछे वजह हो सकती है मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों के बीच चली आ रही दशक पुरानी राइवलरी, जिसका सीधा असर राज्य में कांग्रेस प्रचार और उसकी इमेज पर पड़ सकता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के लिए ये मुकाबला पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तब से ही सिद्धरमैया और शिवकुमार के समर्थक इस बात को लेकर एक दूसरे से भिड़ भी चुके हैं। दोनों के ही समर्थकों के कई बार आमना सामना भी हो चुका है। यानी कांग्रेस इस वक्त अंदरूनी कला से जूझ रही है। इससे कांग्रेस को काफी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी है। हालांकि इस कलह को कांग्रेस इन चुनावों में जाहिर नहीं होने देना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोगों के बीच तक पहुंच रही है। कुछ पार्टी विधायकों को पार्टी नेतृत्व और आला कमान के प्रतिनिधियों की तरफ से फटकार भी लगाई गई थी और उन्हें कहा गया था कि वो सार्वजनिक रूप से बयान देकर बीजेपी को इसका फायदा उठाने का मौका ना दे। इससे राहुल के बयान को भी याद किया जा सकता है, जो उन्होंने साल 2012 में दावणगेरे में पार्टी के एक सम्मेलन में दिया था और कहा था, मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी को कोई नहीं हरा सकता, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने से रोक सकती है। बता दें कि 75 साल के सिद्धरमैया पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। एनडीटीवी ने सिद्धरमैया को लेकर एक रिपोर्ट छापी, जिसमें सिद्धरमैया की तरफ से कहा गया कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और डीके शिवकुमार भी, लेकिन हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री का पद नहीं देगा। हालांकि सिद्धरमैया की इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो समय आने पर ही साफ हो पाएगा। वहीं अगर बात बीजेपी को लेकर की जाए, तो कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने लगातार ये रुख अपनाए हुए है कि सीएम बसवराज बोमई की अगुवाई में पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन पार्टी ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। हालांकि मौजूदा मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने दावा किया है कि जब उनकी पार्टी फिर से सत्ता में आएगी तो वो ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव कर्नाटक में मई 2018 में हुआ था। चुनाव के बाद जेडीएस और कांग्रेस के गठबंधन ने राज्य में सरकार बनाई, जिसमें एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। हालांकि एक साल बाद ही विधानसभा में आईएनसी और जेडीएस के कई सदस्यों के इस्तीफे के बाद गठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके बाद बीजेपी ने कर्नाटक में सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 26 जुलाई 2021 को येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया और बसवराज बोमई ने 28 जुलाई 2021 को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन इस बार 10 मई को कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिसके नतीजे 13 मई को सामने आएंगे। किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल करने के लिए 113 विधानसभा सीटों की जरूरत होगी। कांग्रेस के लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक के ज्यादातर सर्वे में कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया गया है। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने अभी तक अपने सीएम कैंडिडेट का जो ऐलान है वो नहीं किया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस 13 मई को कर्नाटक में किसकी सरकार बनने का ऐलान होता है और सरकार बनने के साथ साथ ही वहां पर मुख्यमंत्री पद कौन लेने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।